हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 10 में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एरर कोड 0x800000190 इस तरह का एरर आता है, तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है WSRESET, इस तरह से टाइप कीजिएगा। टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट कंप्लीट होने के बाद इस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं, इस तरह से आपके केस में ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए फिर भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है CMD टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रन एडमिनिस्ट्रेटर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप करूँ ऐसा आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है SFC, इसके बाद स्पेस देना है, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद स्कैन नाउ, इस तरह से टाइप कर लीजिएगा। जैसा मैंने टाइप किया एग्जैक्ट आप वैसे ही टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते ये कमांड रन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% कम्प्लीट होने तक आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद ये कमांड यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है।
रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपका जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।